कभी नहीं करूंगा आज तक। गाइस हमारे स्टूडियो में क्या एक्सीडेंट हो गया। ओए क्या कर रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज अभिषेक चौधरी। आज है 16 मई एंड सुबह सुबह मेरे को जाना है एक शूट के लिए। हिमांशु का शूट है, तो अभी टाइम हो रहा है 6:30 एंड कब रात हुई कब दिन हुआ पता नहीं चल रहा। आज लिटरली गुड मॉर्निंग हो रही है, एज इन की हाँ सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने को मिल रहा है। तो चलते हैं अभी स्कूटी में पेट्रोल डलवाना है एंड देन जतिन एंड हिमांशु रास्ते में मिलेंगे, तो आपको आगे का दिन दिखाएंगे कि बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं शूट्स के, तो बने रहें। बाय बाय। भाई हवा भी भरी लेते हैं। 46 48, अरे वैस नहीं कैसे होता है यार, ये पता नहीं कैसे होता है, ट्राई करते हैं। अरे भैया पता नहीं भर भी रहा है नहीं भर रहा। तो गाइज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे हिमांशु और मेरा मिलने का डिसाइड हुआ था जगह, मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ एंड हिमांशु एंड जतिन सर अभी तक नहीं आया। हालांकि उनके घर से उनकी लोकेशन से ये जगह बस आई गेस 2 या 3 मिनट दूर है, बट यस फिर भी मैं टाइम पे पहुँच गया हूँ गाइस एंड वो लोग अभी भी लेट हैं। फर्स्ट टाइम गुड मॉर्निंग हो रही है तो नई नई चीज़ें हो रही है। तो गाइस स्लाइट चेंज इन प्लान, हिमांशु काफ़ी देर से जाम में फंसा हुआ था तो वो अब तक जतिन सर को उठा ही नहीं पाया कृतक के घर से। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं क्या यहाँ पे 5-10 मिनट वेट करूँगा, यहाँ अगर 2 मिनट पीछे ही उनका घर तो मैं भी पहुँच ही जाता हूँ। तो अब आपको चलते हैं सीधा केटी के घर पे, मिलवाते हैं उन लोगों से सोती हुई हालत में। भाई ये सीन कि स्कूल बसेज आ रही हैं यार, ये वाली चीज़ें देख के ना एकदम से थोड़ा नॉस्टैल्जिया सा फील होता है कि हम भी ऐसे स्कूल में जाया करते थे कि हाँ भाई स्कूल बसेज का वेट कर रहे होते थे। तो गाइस आप देख सकते हो लेट इंसान। भाई तू तो मुझे उठा के जल्दी पहुंचने वाला था, भाई तू तो मेरे को जल्दी उठा के, तू जल्दी नहीं पहुंचने वाला था। हेलो सर, आज एक्चुअली गुड मॉर्निंग हो रही ना सर। मेरे को गाइस मैं थोड़ा ना हीरो बन गया गाइस, तो चश्मा वश्मा लगा लिया मैंने, उठा ले। वो क्या बात है। चले तीनों की शक्ल भी नहीं दिख रही है वैसे। भाई मैं मेरे को पता ही नहीं चला कब रात से दिन हो गया। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन जहां से हमें बाकी बंदों को उठाना है, पर वो बंदे अभी हैं गोविंदपुरी और हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। तो हमने भैया को बोल दिया चाय बनाने के लिए कि हम अपना नाश्ता ही कर लेंगे। तो नाश्ते में हमने बनाई है भैया से 3 कप चाय एंड पार्ले जी बिस्किट, अगर होगा तो पार्ले जी बिस्किट भी खा लेंगे। हाँ भैया ने पूछा मीठी है मतलब ज़्यादा मीठी चाहिए या नॉर्मल, मैंने कहा नॉर्मल तो थोड़ी ज़्यादा मीठी भैया। तो भाई अभी ना हमने एक बिरयानी वाले भैया को भी रोका था, तो पहले वो चले गए थे बट अब वो वापस आके हमारे लिए एक प्लेट बिरयानी लेके आ रहे हैं। तो गर्मा गर्म चाय बिस्किट और बिरयानी हो गया भाई नाश्ता है ना, कुछ भी कर रहे हैं हम। और बिस्किट भी बटर कुकी है, बटर कुकी विद चाय और बिरयानी। ये टेक्निक बाहर नहीं जानी चाहिए। ये इंडिया से बाहर नहीं जानी चाहिए भाई। तो गाइस हमारी बिरयानी भी आ गई है, बट एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, भैया ने बोली थी कम चटनी डालेंगे, भैया ने चटनी बढ़ दी है इसमें, बट कोई नहीं खा के देखते हैं। तो गाइस अभी हम जिनका वेट कर रहे थे वो और आधे घंटे लगेगा, क्योंकि हमें लग रहा था अब तक कि वो आधे घंटे पहले कालका जी पे थे, बट वो अभी कालका जी पहुँचे हैं। तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा और वेट करेंगे। मैं सोच रहा हूँ 2-3 चाय और पी लूँ भैया से लेके ना। प्रैक्टिस चल रही है गाइस, प्रैक्टिस। कान में ईयरफोन, गाना यहाँ पे 7:15 मान लो, 7:15 से हम यहाँ खड़े हैं और 8:15 हो गया, मतलब एक घंटे से वेट कर रहे हैं। और फिर लोग कहते हैं कि डांसर लोग फेमस क्यों नहीं हो रहे। यही कारण है। संभव सही बता तेरे, संभव तेरे को ऐसा फील नहीं हो रहा तू तेरे को दूसरे गोला पे बुला लिया? हाँ भाई सच बता, दूसरे गोले के कौन से कोने पे बुलाया। तो भाई अब सब लोग अगर आ गए हैं तो अब हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे, क्योंकि संभव भाई बहुत जल्दी आए हैं, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। ये भी है यार मेरे साथ। नहीं नहीं भाई संभव भाई थोड़ा जल्दी आ गए थे तो पता नहीं मैं सबसे आगे अपने आप पैर सरक जाते हैं भाई। तो गाइस सीधा लोकेशन पे मिलते हैं आपसे।
तो गाइज आ गए हैं हम लोग अपनी शूट की लोकेशन पे, फरीदाबाद के अंदर घूमते घामते। यहाँ पे बहुत सारी ग्राफिटीज एंड ऑल है, अब देखते हैं क्या सीन होता है। भाई सीख हर जगह है गाइज, डार्कनेस इज बेटर देन ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडिंग लाइट। हर जगह ज्ञान बांट रहे हैं भाई। दो ये मंगा लेता हूँ भाई, पेटी नहीं मिलती इस पे। ओशन वाटर पियोगे भाई? भाई ब्लैक वाटर मिलता है इस पे। सर वो मंगा दो, विराट कोहली वही भाई, ब्लैक वाटर। सो गाइस जगह वगैरह डिसाइड कर लिया हमने लोकेशन की, जतिन सर सेटअप कर रहे हैं कैमरा एंड अभी भाई लोग जाके अपने कपड़े वपड़े बदलेंगे एंड देन शूट स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि शूट कैसे होता है, बने रहे। तैयारी चल रही है गाइस, जतिन सर तो रेडी है भाई, है सर जतिन सर का शस्त्र रेडी है भाई, संभव लग रहा है भाई, वेस्ट मजाक से हट के। गाइस हमने पेड ऑडियंस बुलाई है, सर 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 शस्त्र उठा लो सर। भाई अलग ही हाइट का बकरा है ये, संभव क्या कह रहे कह रहे बकरे भी लंबे निकल रहे हैं मेरे से, ये गम काहे खत्म नहीं होता है बे। तो भाई हमने ब्लिंकेट से ना थोड़ा सामान मंगाया था, तो वो भैया भी आ गए, बट मैं ढूंढ रहा हूँ उनको कि हैं कहाँ पे। वो कह तो रहे हैं टूटे फूटे कम्युनिटी सेंटर के बाहर ही हैं, पर यहाँ तो हम हैं, भैया तो दिख ही नहीं रहे। कहाँ हैं भैया, कहाँ पे हो भैया? दिख नहीं रहे यार आप मेरे को। अच्छा तो भाई ये 10 किलो पानी उठाने के लिए इन्होंने मेरे को अकेले भेज दिया, कोई पी के दिखाया पानी फिर बताऊँगा। आई गोट सो गाइस शूट वगैरह होता रहेगा बट मोगू मोगू ज़रूरी है। क्यों जतिन सर? भाई ठंडक मिलनी चाहिए। मोगू मोगू रॉक्स, लेट्स गो। इनकी तैयारी ख़त्म नहीं हो रही भाई। हो गया तैयार, हो गए तुम? सो गाइस अब जा रहे हैं हम लोग पहले टेक के लिए, बट उससे पहले सबसे बड़ा टास्क है। अबे ये बकरी की आवाज़ है, फाइनली गए भाई। अब हमारी लोकेशन फ्री हो गई है इनके जाने के बाद, तो यहाँ हमें शॉट लेना है पहला, तो निपटाते हैं, लेट्स गो। तो भाई ये भी ज़रूरी है शूट में, शूट का पार्ट होता है। अगर आप कट स्लीव पहन रहे हो तो जान लीजिए कि आपको अपनी मसल्स टोन करनी, पंप करनी ज़रूरी है। संभव भाई क्या पुशअप मार रहा है, माँ कसम। ये दीवार पे लगा हुआ है ऐसे। पंप करने को बोला पैर पैर। संभव ऐसे करते हैं भाई, ठीक है? वो देख उधर ऐसे करते हैं। यस हाँ अब ठीक है भाई, यही डेडिकेशन चाहिए जिंदगी में मेरे को। जिस दिन ये डेडिकेशन मेरे में आ गई ना संभव, नहीं नहीं ये नहीं, वो वाला पीछे वाला। हाँ पीछे वाला, ये वाला नहीं पीछे वाला। ये वाली डेडिकेशन नहीं चाहिए, ये वाली डेडिकेशन चाहिए। संभव को लगा इसको बोल रहे, नहीं भाई भाई को बोल रहे थे भाई मुझे। हाँ ये भी सही है, अंतर नहीं है उसमें और तेरे में। संभव कह रहा है मैं रोस्ट कराने आया हूँ अपना। हाँ बेचे गाइज, ऐसे खतरों से खेलते रहते हैं हम लोग। कैच करने के लिए रेडी हैं। हाँ तो रहने देते हैं भाई, जतिन सर जा रहे हैं हम गाइड करने के लिए। ऐसे पकड़ो, ठीक है पैर रखो इधर, और ये रखो इसके। जतिन सर तो ऐसे है जैसे डेली झूलते हैं। भाई कह रहे हैं इधर से रास्ता ब्लॉक, तो उधर से आ गया मैं। भाई अब हेमू को देखो। ओए क्या कर रहा है? क्या दीवार का छिपकली बना हुआ था पीछे। चल गाइस बिहाइंड द सीन यही है, जो वीडियो में आपको दिखता है ना इतना कूल कूल, ऐसा कुछ नहीं है। चल भाई हूँ
कराची से पकड़। साले अब कभी नहीं करूंगा आज तक। संभव गलतियां तो जितनी कर रहा है उतने चिप्स खा रहा है भाई। पहले शूट एक घंटा पहले खत्म हो गया होता अगर संभव इतनी गलती नहीं कर रहा होता तो। क्या बोलना चाहेगा भाई इस पे? मेरे को पैसे मिल रहे हैं ये बोलने बहुत मेहनत होती है गाइस। सो गाइस 2 बज गए हैं दोपहर के, एज इन पीक गर्मी पीक धूप जो होती है, एंड फाइनल टेक चल रहा है। ख्वाहिश मैम भी आई, अभी उनका फ़ोन आया था तो वो हॉस्कास्ट पहुँच गई है। जस्ट मैं अब वेट कर रहा हूँ कि इनका टेक हो, देन इनको स्कूटी पर बिठा के मैं छोड़ के आऊँ। बट अच्छा शूट हो रहा है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोच रहे हैं हम लोग, इधर से उधर कुछ ना कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, कहीं कभी किसी को यहाँ चढ़ा दे रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ हो रहा है। सो या मज़ा आ रहा है, तो बने रहे, आपको आगे का दिन दिखाएंगे साथ में, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है हमारे साथ। हो गया गाइस फाइनली पैकअप हो गया भाई, सुबह 7 बजे की मेहनत। कितने बज रहे हैं भाई? क्या हो गया? अब समझ आ गया, लोग रील क्यों शूट कर रहे हैं। मेरा वाला जोक मार लिया सर। 15 मिनट का काम फटाक से खत्म। ये लिया ब्लॉग में। हाँ अभी समझ आया कि रील शूट कर रहे हैं। हाँ ये लिया ना, पूरा रिकॉर्ड करा भाई। चेप दिया मेरा जोक साले ने। कोई बात नहीं भाई, तूने बोला था ठीक है। संभव सो गाइस उतार दिया है हमने सब लोगों को मेवला महाराजपुर पे, अब हम लोग भाग रहे हैं। लेट्स गो। आ गए गाइस घर पे आ गए। ओ बेचे, लाइट जला लो। आप लोग तो सही ठंडे ठंडे में बैठे हो यार, आप लोग सही ठंडे में बैठे हो यहाँ। जान निकल गई, कोई नहीं, पानी वानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं और कुछ खाते हैं। गाइस हमारे स्टूडियो में एक एक्सीडेंट हो गया, ये नीचे आ गया। होता है ऐसा। ये लाइट थोड़ी अच्छी लग रही है। कभी भी गिर सकती हो। तो क्या करें हम? पता नहीं, पापा को बुलाऊं? हाँ। तो गाइस पापा को हमने फोन कर दिया है भाई, आप लोगों ने देखा नहीं है तो हाथ पे लगी भी है मेरे, लकड़ी मेरे हाथ पे तो गिरी सीधे। मैं ऐसे, वो झाड़ू है ना ये रेड वाली, मतलब ऐसा होता था कभी भी लूज होती थी तो मैं ये झाड़ू ऐसे ये साफ करने वाली होती है इसको मैं ऊपर हल्का टच करके कर देता था तो। बट अब तो झूली गए। हेलो बेटा, चल रहा है गाइस, काम चल रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके गाइस डन। ओके गाइस बॉटल उठाओ, लाइन बनाओ से पहले रुक जा। ए बर्थडे है यार उसका, बर्थडे है इसका, सॉरी आदित कह रहा मैं नहीं था भाई। हैप्पी बर्थडे बोल दो भाई। हैप्पी बर्थडे। ओए चुप चुप चुप। ओए चुप, प्यार से यार, डांटना थोड़ी है उसे, प्यार से गा लो पाए से। हैप्पी बर्थडे डियर रे आज, हैप्पी बर्थडे टू। बेचारों ने ऐसे घेर के उसको रखा हुआ है ना, डर रहा है वो, बर्थडे विश कर रहे हैं, मारने की तैयारी कर रहे हैं। चलो अब बॉटल उठा के लाइन बना लो। सो गाइस पहली क्लास जस्ट अभी ओवर हुई है, बच्चों को हमने भेजा है और अब जाके हम खाएंगे अपना जो है ये बर्गर किंग का पार्सल। आई गेस ठंडा हो गया होगा बट कोई नहीं, ठंडा ही खा लेंगे, सह लेंगे। सो गाइस क्लासेस एंड ऑल आर डन। आज बहुत ही नींद वाली हालत हो रही थी, एज इन जब छोटे वाले बच्चों का बैच लीड थी ख्वाहिश मैम, तब तो मैं लिटरली ऐसे था कि तब ऐसे गिरने वाली हालत में, क्योंकि वही है कि रात में सोया नहीं था, दिन सुबह से लेकर हिमांशु का शूट था, दिन सीधे यहाँ आ गए थे तो रेस्ट मिला ही नहीं, और अब वो नींद जो है सर पे हैवी हो रही है। तो जल्दी भाई बिना ज़्यादा बात करें सीधा चलते हैं घर, एंड घर जाके थोड़ा लेटते हैं, कमर सीधी करते हैं क्योंकि सुबह से बाहर हैं भाई, बैंड बजी पड़ी है कमर की। लेट्स गो। तो भाई आज खाने में बना है ट्रायंगल वाले पराठे, भिंडी की सब्जी, आम का अचार और रायता, तो जल्दी से खाते हैं भाई, भूख लगी है बहुत जोर से।